स्टार्ट करें तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है आप सब ऑल गुड जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं एक बजरा चेक करेंगे प्लीज़ क्या आप लोग को आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट हु इज़ व्यूइंग लेक्चर ऑनलाइन कैसे हैं आप सब लोग एक बार ज़रा मेरे को सब लोग बताएंगे प्लीज़ जितने लोग भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं सब लोग हाई करेंगे हाई थम्सअप कर दीजिएगा चलिए सो आ वेरी गुड मॉर्निंग वन अनिकेत ईशु मृग्या छवि सचिन एंड एवरी अदर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सी एस प्रोफेशनल क्लासेस एक्साइटेड एक्साइटेड बहुत ज़्यादा कि थोड़े से कम ठीक uh, ठाक <laughs> अब सर एक हफ्ता हो गया रिजल्ट आए हुए अब तो नॉर्मल हो गया है सब अब ऐसा लग रहा है कि ये तो जरूरी था है ना चलो सही है ऑनलाइन सोनू एक स्टूडेंट है कहते हैं सर ये ई एस जी क्या होता है चलो अभी अभी इसीलिए तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज कि ई एस जी क्या है बस एक सेकेंड मेरे को देंगे जरा जस्ट गिव मी मिनट तो आज हम लोग ग्रुप वन में सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस और आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है बट हम लोग लगभग लगभग कोशिश करेंगे कि हम अपने हर एक चैप्टर को एक बार समझें इस पूरे सिलेबस कंटेंट को समझें सब्जे, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है किस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कौन कौन से चैप्टर्स पर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा किस चैप्टर में क्या कंटेंट है इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ओपन क्लास रहेगी आपको जो भी दिमाग में आए आप बेफिक्र होकर पूछिएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है अच्छा इससे पहले आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं ऑनलाइन वगैरह यूट्यूब पे देखी है मतलब फेमिलियर फेस है हाँ ठीक है फिर ठीक है जितने बच्चे ऑनलाइन हैं अगर आप लोगों ने पहले मेरे से क्लास नहीं ली है या मेरे को पहले से नहीं जानते हैं तो दिस इज़ सी एस जी डी सलूजा इट्स गगनदीप सलूजा और मैं आपका एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो ग्रुप वन में ये लूंगा डैट इज़ ई एस जी और एक ओपन बुक लूंगा दैट इज़ गोइंग टू बी आई पी आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ओपन uh, बुक में अभी सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं मैं आई पी आर के बारे में आज वाली क्लास में तो डिस्कशन नहीं करूंगा उसकी क्लास हम लोग सेपरेटली रखेंगे और uh, ये दो सब्जेक्ट्स मेरा मेन रहेगा इससे पहले अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं जो इससे पहले चलता था तो ओल्ड सिलेबस में क्या है यही दोनों सब्जेक्ट पहले से भी थे तो आई सी एस आई ने ओल्ड से न्यू में स्विच करते समय बहुत सारे सब्जेक्ट्स में शफलिंग की बहुत सारे कंटेंट में शफलिंग की बट इन दो सब्जेक्ट्स में एज सच कुछ खास चेंज नहीं आया मतलब कुछ एडिशन ऑफ कंटेंट तो हुआ है लेकिन जो पहले था वो आज भी है कुछ नया जरूर एड ऑन कर लिया गया है तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है आई ने पुराने ही सब्जेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कुछ इस तरीके से ये पर्टिकुलर टॉपिक चलता है ठीक है अभी क्या है सर जो हमारा ई है ना ई एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है एक सेकेंड रुकेंगे जरा बस तो हम लोगों ने बोला कि सर जो ये ई कंटेंट है ये ई कंटेंट क्या है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है बट एक्चुअल में थ्योरिटिकल सब्जेक्ट नहीं कह सकते इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट है मेरा मानना ये है कि ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जहाँ पे ये बात बिल्कुल सच है कि हमको यहाँ पे बहुत सारे लॉज के प्रोविजंस पढ़ने को मिलेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस सेबी बी एल के आई के बहुत सारे लिमिटेड लिमिटेड प्रोविजंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा एल है पूरा कंपनीज एक्ट है पूरा आई है ये नहीं कहेंगे हम क्योंकि अगर ये कहेंगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि पहले हम लोग को पहले वही कंटेंट कंप्लीट करना है उसके बाद हम इस सब्जेक्ट को आगे प्रोसीड करेंगे ऐसा नहीं है टॉपिक्स ज़रूर ऐसे होंगे जहां पे उनके लिंकेज आएगी और हम लोग इस तरीके से उसको अज्यूम करके चलेंगे कि अभी हमको वो टॉपिक नहीं आता है तो जैसे कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन आता है लेट से तो उस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को हम वापस से यहाँ पे करेंगे लेकिन उसी प्रोविजन को करेंगे जो हमारे सिलेबस कंटेंट का पार्ट होगा या जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड होगा अगर मैं बोलूँ कि मैं एल की सारी मोर देन हंड्रेड रेगुलेशन इसमें कराऊंगा या हम लोग को करनी पड़ेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं बोलूँ कि हम लोग को कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन वापस से यहाँ पे करने हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में क्या किया जाता है कि जैसे एलओडीआर चल रहा है मान लो किसी पर्टिकुलर क्लास में तो उसी में एथिक्स को भी साथ में करवा दिया गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है दूसरी चीज यह है कि सर हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले कहते थे कि एथिक्स है

और ये सब पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ना ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर बींग अ कंपनी सेक्रेटरी जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे तो शुरुआत के पाँच छः सात आठ साल तक तो मेरे को लगता है कि जो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना इसका बहुत कम कंटेंट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेगा क्योंकि बींग अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी आपसे इस लेवल की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाएंगी बोला जाएगा कि जो आप ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़कर आए हो ना वो थोड़ा हाई लेवल का है अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे जैसे एक कंपनी है सर और उस कंपनी को एक पॉलिसी बनानी है पॉलिसी बनाने के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी इज यूज टू बी द सुटेबल पर्सन बट पॉलिसी बनाने में आपको ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले तभी आप पॉलिसी फ्रेम कर पाएंगे अदरवाइज पॉलिसी फ्रेमिंग आपका एक मेन कोर एरिया नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग के पांच सात आठ साल तक तो क्या होता है जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना वो अपने कंप्लायसेस पे फोकस करता है कि हम पहले कंप्लायंस करना सीख लें कि हमारी जिस कंपनी जिस कंपनी में हम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कौन कौन से एक्ट एक एप्लीकेबल हैं और जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसका कंप्लायंस हम कर लें वही बहुत है जब पाँच सात आठ साल का एक्सपीरियंस हमको हो जाता है हम समझ जाते हैं कि किस तरीके से लॉ एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर हमको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट करवाई जाती है और तब जाके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिलेवेंस का हमको आइडिया लगता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना हम देखते क्या है कि हमको बहुत सारी कंट्रीज के भी लॉ पढ़ाए जाएंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से गवर्नेंस का कल्चर चल रहा है और फॉरेन कंट्रीज में किस तरीके से गवर्नेंस का कल्चर चल रहा है क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम पे जमाना है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का और एमएनसी की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है और जब अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के लॉ को भी फॉलो करती है और हम अगर ये सोचें कि बींग इंडियन कंपनी सेक्रेटरी हमको सिर्फ इंडिया का ही लॉ आना चाहिए बाकी कंट्रीज का नहीं आना चाहिए तो यह शायद थोड़ा सा ही गलत बात हो जाएगी हमको बहुत अच्छे से तो नहीं आना चाहिए बट बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए कि फॉरन कंट्री में क्या लॉस चल रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लोग यहां पे देखेंगे लाइक मलेशिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ क्या कहता है सिंगापुर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ क्या कहता है यूके का क्या कहता है यूएस का क्या कहता है सिंगापुर का क्या कहता है साउथ अफ्रीका का क्या कहता है यूरोपियन कंट्रीज में लॉ किस तरीके से बनाए हैं इसीलिए होता क्या है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना थोड़ा सा आपको थियोरिटिकल लगने लग जाता है बट ऐसा है नहीं पढ़ने के अप्रोच पर डिपेंड करेगा अगर हम उसको उस अप्रोच से पढ़ें कि हम लॉ ही पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अदरवाइज आपके लिए रट्टा मारने वाली चीजें ज्यादा हो जाएंगी हम लोग क्लास में क्या करेंगे सर जब भी कोई टॉपिक करेंगे तो जैसे मेरी पुरानी आदत है कि हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे कुछ बेसिक बेसिक शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलेंगे हर एक टॉपिक के जिससे कि क्या होगा कि एक बड़ा टॉपिक हमारे पास समराइज मैनर में आ जाएगा पढ़ेंगे हम पूरा बुक से एक एक चीज उसके एनालाइज करेंगे लेकिन उसको समराइज करके कॉपी में लिखेंगे जिससे कि हमको क्रक्स पता लग जाए कि एक्चुअल में हमारे उस पर्टिकुलर कंटेंट का क्रक्स क्या है एक बार हम पढ़ें तो हमको समझ में आ जाए कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं सर अगर हम बात करें ना आप लोगों ने कभी एक स्टेटमेंट सुना है मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सुना है कभी ये स्टेटमेंट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस ये क्या होता है सर तो मोदी जी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं एक सेकेंड के लिए बस आप जरा वेट करिएगा बस एक मिनट में अभी बस एक बस ठीक हो जाए फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ये नहीं ये अगर रीस्टार्ट करेंगे तो फिर thank you ठीक है ना चल अभी जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं एक बार ज़रा चेक करिए अभी सब ठीक है आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है चल तो आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे एक बार ज़रा तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं सर उसका नाम था हमारा ई एस जी और ई अगर मैं बोलूँ तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है किस तरीके से कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पे एक तो कंसेप्ट पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एक पढ़ा सोशल और एक पढ़ा गवर्नेंस जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिटेल्ड कंटेंट होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा गवर्नेंस के रिगार्डिंग अच्छा अभी हम लोगों ने बस जाते जाते अभी दो मिनट पहले हम लोगों ने बोला था कि मोदी जी ने एक नारा दिया था और नारा कुछ इस तरीके से था कि लिखा जा रहा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस तो अभी तो हम सिर्फ समझ ही रहे हैं सर कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और पढ़ने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये होता क्या है एक्चुअल में गवर्नेंस तो हम लोगों ने बोला कि सर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अगर हम रूट्स की बात करें तो हम ऐसे बोलते हैं कि याद है हम लोगों ने कभी अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन जिसको हम लोग एल कहते थे क्या कहते थे एल कि हमारे इंडिया में नाइनटीन के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो मनमोहन सिंह एक कंसेप्ट लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या एल का और एलपीजी का कंसेप्ट ये क्या कहता था जिसमें हम लोगों को सिर्फ एक ही कंसेप्ट देखना है ये लिबरलाइजेशन वाला पहले हमारे इंडिया में था क्या कि सर कोई भी काम करना होता था ना तो हमको बार बार गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती थी लाइसेंस लेने होते थे परमिट लेनी होती थी सैंक्शन करवाना पड़ता था जब हम कोई अप्रूवल ले लेते ले थे तभी काम कर पाते थे अदरवाइज बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं था तो होता क्या था कि एक तरीके से ऐसा बोला जाता था कि इंडिया में बिजनेस करना है तो पहले इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आगे पीछे घूमो उनसे परमिशन मांगो उसके बाद ही बिजनेस कर पाओगे अदरवाइज आपके लिए बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है

तो हम आपकी कंट्री में आके पैसा नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट ने बोला इससे बढ़िया एक कंसेप्ट निकालते हैं लिबरलाइजेशन का हम ना ऐसा करते हैं कि अप्रूवल लेना ही खत्म कर देते हैं कि आपको अप्रूवल लेनी ही नहीं है गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो मिनिमम से मिनिमम होगी आप आराम से अपना बिजनेस करिए बिजनेस करिए जैसे करना चाहते हैं वैसे करिए जो बिजनेस के रिगार्डिंग हमने कानून बनाए हैं बस आप उनका पालन करते चलिएगा बस आप उन लॉस को फुलफिल करते चलिएगा उनके कंप्लायंस करते चलिएगा हमको बताते चलिएगा कि आप अपने बिजनेस में कर क्या रहे हैं बाकी अदरवाइज आपको अप्रूवल कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है ये अच्छा हुआ सर क्यों अच्छा हुआ अब हमको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आगे पीछे नहीं घूमना हम अपना जैसे चाहें वैसे बिजनेस करेंगे बस हमको ध्यान ये रखना है कि हमको अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई होने वाले जितने भी लॉज हैं उनका कंप्लायंस करना है बस उसमें किसी तरीके की कमी नहीं छूटनी चाहिए अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसा करिए हमसे अप्रूवल ना लीजिए लेकिन हर साल हमको रिपोर्टिंग करते चलिएगा हर साल हमको बताते चलिएगा आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया आपने पूरे साल में कहां कहां से पैसा कमाया आपने पूरे साल में कितनी बोर्ड मीटिंग की आपने पूरे साल में कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया किन को निकाला किन की किन की कितनी रेमोरेशन बढ़ाई ये हर चीज हमको हर साल बताते चलिएगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिएगा क्या मेंटेन रखिएगा ट्रांसपेरेंसी अगर आपने हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी तो हम समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप अपना बिजनेस लॉफुली चलाते रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे लेकिन जहां पर हमको ऐसा लगा कि आपने लॉ का कंप्लायंस नहीं किया है वहां हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे अदरवाइज आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इसका मतलब यह हो गया सर कि बींग अ कंपनी सेक्रेटरी हम लोगों को गवर्नेंस प्रोफेशनल का नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है गवर्नेंस प्रोफेशनल हमको बोला जाता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना वो एक गवर्नेंस प्रोफेशनल होता है और गवर्नेंस प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके हाथों में कौन सा काम है गवर्नेंस का गवर्नेंस की अगर मैं हिंदी की बात करूं ना कि गवर्नेंस की हिंदी क्या होती है तो उसको बोलते हैं शासन क्या बोलते हैं शासन अब लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती चले कंपनी ने क्या किया है पूरे साल में। अब अगर मैं बोलू तो क्या मैं बोल दूं कि सेक्रेटरी की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपनी कंपनी का ध्यान रखे कि आपके ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने डेटा को डिस्क्लोज करवाना चाहती है उसी तरीके से आप अपनी कंपनी की डिटेल्स गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करके बताइए इसीलिए हम लोग को यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत फोकस करके पढ़वाया जाता है है कि भाई एक कंपनी कंपनी और उस के ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हैं क्योंकि कंपनी बिजनेस कर रही है उसको हर बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप सारी चीजें रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के बिहाफ पे पर रिपोर्टिंग का काम कौन करेगा कंपनी सेक्रेटरी इसीलिए जो हमारा आईसीएसआई है ना उसका विजन और मिशन अगर आप देखें हमारे आईसीएसआई का विजन और मिशन अगर आप देखें तो दोनों में ही कही न कहीं ना कहीं आईसीएसआई चाहता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो इंडिया का कंपनी सेक्रेटरी है वो ग्लोबल मैनर पे कॉरपोरेट प्रोफेशनल गवर्नेंस प्रोफेशनल बनकर निकले वो एक कंपनी को इस तरीके से समझे कि आपको हर एक चीज के बारे में बताना है अपने स्टेक होल्डर्स को आप अब छुपा कर बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने छुपा कर बिजनेस किया तो कहीं ना कहीं शायद आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसको आप सबके सामने नहीं लाना चाहते और अगर आपने गलती नहीं की तो फिर अपने बिजनेस के बारे में बताने में दिक्कत क्या है बताओ ना सबको खुल के बताओ कि आप क्या कर रहे हो अब एक क्वेश्चन और यहां पे होता है कि चलिए ये तो समझ में आया सर हमको कि एक कंपनी को लॉ का पूरा कंप्लायंस करना है और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को बताना भी है कि हमने किस किस कंप्लायंसेस को पूरा पूरा कंप्लीट किया बोलो यहां तक सही है अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा क्या हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो क्या कंपनीज एक्ट में हमको बोला जाता है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है क्या हमको कंपनीज एक्ट यह भी कहता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है क्या वो हमको यह भी कहता है कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं क्या हमको कंपनीज एक्ट यह भी कहता है कि हमको बोर्ड रिपोर्ट बनानी है क्या बनानी है बोर्ड रिपोर्ट हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन वन

क्या पढ़ते हैं कंपनीज का शेड्यूल सेवन और वहां पे लिखी हुई लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कि किन किन जगहों पे हम सी का पैसा खर्च कर सकते हैं अब ध्यान से समझिएगा ये सारी चीजें एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनती है और उसमें हर एक चीज डिस्कलोज की जाती है जब ये चीज डिस्कलोज की जाती है ना तो वहां पर देखा जाता है कि क्या लॉ में डिस्कलोजर का कोई पैटर्न तो नहीं दिया हुआ है क्या कोई फॉर्मेट तो नहीं है जिस फॉर्मेट में आपको वो चीजें डिस्क्लोज करनी है समझना वट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा डेटा एंड इंफॉर्मेशन जब हम बात करते हैं ना डेटा और इंफॉर्मेशन की समझिएगा से कह रहे हैं कि बहुत सारा डेटा आपके पास है उसमें से जो रेलेवेंट डेटा है ना वो एक्चुअल में आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगी आपको वही जो रेलेवेंट डेटा है ना वो बहुत सारे लोगों को बताना है कि हमारी कंपनी में क्या क्या चल रहा है मेरा एक क्वेश्चन क्या मैं ऐसे बोलूं कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप एक कंपनी जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसमें एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो प्रोडक्ट ना एनवायरमेंट को हार्म करके बनाया जा रहा है किसको हार्म करके बनाया जा रहा है एन्वायरमेंट को मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोसेस को अगर आप देखें कि वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है तो पता लग रहा है कि वो हैवी नुकसान पहुंचा रहा है एन्वायरमेंट को उसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है लेकिन सर दूसरी जगह सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट तैयार कर रही है लेकिन वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रही क्या लगता है आपको कि मार्केट में बिजनेस किसका ज्यादा लंबे समय तक चलेगा एक ऐसे कंपनी जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा के प्रोडक्ट बना रही है या एक ऐसी कंपनी जो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाकर प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो हम लोगों ने बोला एक ऐसी कंपनी जो एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रही है और कंज्यूमर की नीड्स का भी ध्यान रख रही है वो कंपनी ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहेगी तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जो हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं सर एनवायरमेंटल स्टडीज में जिसको हम नाम क्या देते हैं सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म कौन सस्टेन करेगा कौन लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को चला पाएगा कौन चला पाएगा लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को जो एक्चुअल में प्रॉफिट भी अर्न करे लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाए क्योंकि सर देखिएगा ना जो रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअल में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हम खुशकिस्मत हैं कि हम दुनिया में पहले आ गए तो हमको वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है अगर उसके लिए हम रिसोर्सेज ना छोड़ें तो शायद ये तो गलत होगा मतलब वो क्या बोलेगी कि हमसे आने हमसे पहले वाली जनरेशन इतनी मतलबी थी कि उसने उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया खुद तो इंजॉय किया लेकिन जब हमारी इंजॉय करने की बारी आई तो वो सारी रिसोर्सेस खत्म कर डाली ये तो गलत है और सस्टेनेबल बिजनेस क्या कहता है समझिएगा आज अगर आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो बहुत सालों तक काम करती रहे या दो तीन साल तक चले और उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो जाए आप सोचिए एक कंपनी आई थी याद है आपको माइक्रोमैक्स मोबाइल बनाती थी जिसके पीछे ना ऐसे मुक्के का साइन बना होता था तो वो यूपी बिहार में मोबाइल बड़े बिकते थे वो और लोग आके ये नहीं कहते थे माइक्रो मैक्स का मोबाइल मोबाइल दे दे दो दो तो कहते वो मुक्के वाला दे दो। क्योंकि उससे थोड़ा सा टौरा बनता है कि कौन सा मोबाइल है मुक्के वाला मोबाइल है बट प्रॉब्लम को समझिएगा सर मोबाइल तो माइक्रो मैक्स ने अपने बड़े बेचे माइक्रो मैक्स ने अपने मोबाइल ना स्मार्टफोन बना के बेचे क्या बना के बेचा स्मार्टफोन भला समझ लीजिए पहले तो नोकिया का दबदबा था और नोकिया के जाने के बाद सैमसंग आया और सैमसंग ना जो मोबाइल रिलीज करता था वो बहुत प्रीमियम क्लास कस्टमर्स के लिए रिलीज कर रहा था सस्ते स्मार्टफोन नहीं आ रहे थे सैमसंग के एप्पल तब तक मार्केट में था नहीं इंडिया में तो माइक्रो आया माइक्रो ने क्या किया पाँच पाँच छः छः हजार रुपये के स्मार्टफोन रिलीज किए मार्केट में निकाले अब पाँच छः हजार रुपये का स्मार्टफोन है एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन भी उस मोबाइल को अफोर्ड कर पा रहा था उसको भी लग रहा था यार मेरे हाथों में भी कौन सा फोन आ गया है स्मार्ट फोन आ गया है बट माइक्रोमैक्स मार्केट में तीन चार साल तक ही टिका बस उसके बाद वो मार्केट से आउट हो गया मार्केट से क्या हो गया आउट हो गया अब बताओ एक बिजनेस जो सालों साल चलता रहे वो ज्यादा बेहतर है या एक बिजनेस जो दो तीन साल चले वो ज्यादा बेहतर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा जिसने पैसा लगाया है अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपकी हार्ड अर्न इनकम आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक कंपनी में लगाया उस कंपनी ने आपको दो साल तक तो रिटर्न दिया उसके बाद टाटा वाइबे कर दिया तो, तो बेकार हो गई और एक ऐसी कंपनी जिसमें आपने आज दस लाख रुपए लगाया और उसने आपको आने वाले पचास सौ सालों तक रिटर्न दिया क्या वो ज्यादा बेहतर कंपनी नहीं है अब अगर हमको ये सोचना है ना कि कौन सी कंपनी लंबे समय तक टिकेगी तो फिर हमको मार्केट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से हमारी कंपनी के बिजनेस में डाउनफॉल आए क्योंकि अगर हम ऐसे बोले पहले क्या होता था सर समझिएगा पहले का मतलब है आज से पचास साल पहले आज से पचास साल पहले किसी को भी बिजनेस के बारे में पूछो ना तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती थी प्रॉफिट कमा के दोगे कि नहीं दोगे तुम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो पहुंचाओ तुम सोसाइटी को डिग्रेड करते हो करो तुम क्या कमा के देना खाली हमको प्रॉफिट इन्वेस्टर सिर्फ एक ही चीज सोचता था क्या प्रॉफिट अगर प्रॉफिट कमा के दोगे तो हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हैं जैसे मर्जी कमा के दो

तो वहां पे एक्चुअल में क्या था ह्यूमन राइट्स को हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे किसको ध्यान नहीं दे रहे थे ह्यूमन राइट्स एनवायरमेंट पर फोकस कर ही नहीं रहे थे सोसाइटी के डेवलपमेंट पर ध्यान दे ही नहीं रहे थे क्योंकि हमारा मेन फोकस ही किस पे था प्रॉफिट पे आज लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्या बोला गया कि अगर लंबे समय तक बिजनेस चलाना है तो तुम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे बिजनेस को आगे रन नहीं कर सकते प्रॉफिट जरूरी है बाकी सारे फैक्टर्स में सबसे जरूरी क्या है प्रॉफिट बट सिर्फ प्रॉफिट ही जरूरी है यह कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा नहीं तो आपका बिजनेस हो सकता है दूसरे फैक्टर्स की वजह से ठप पड़ जाए जैसे में आपने आजकल क्या है जो कस्टमर है ना वो बड़ा पढ़ा लिखा हो गया वो कहता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दो कौन सा प्रोडक्ट दो इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का मतलब क्या है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाने में एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि आज का जो कस्टमर है ना क्योंकि वो पढ़ लिख गया है ना तो उसको समझ में आ गया है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल में एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा सकता है और कौन सा प्रोडक्ट एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहा और वो प्रेफर करता है एक ऐसे प्रोडक्ट को जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है अब मेरा क्वेश्चन सुनना तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी कंपनी बहुत जबरदस्त चल रही है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन मार्केट में आई कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है क्या मैं बोलू कस्टमर आपका प्रोडक्ट शायद खरीदना बंद कर दे आपकी कोई गलती नहीं थी सब कुछ बिजनेस बढ़िया चल रहा था अभी तक प्रॉफिट भी कमा रहा था और एकदम से पता नहीं मार्केट में एक खबर क्या फैल गई कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है क्या मैं बोलूं आपका बिजनेस वही शायद हो सकता है शट डाउन हो जाए मतलब बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाए कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदे ही ना ऐसा भी हो सकता है कहीं मार्केट में बस इतनी खबर फैल गई कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को बनाते समय चाइल्ड लेबर का यूज किया जाता है यह कंपनी ना लेबर के ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करती ये लेबर से मेहनत करवाती है 20 20 22 22 घंटे बस सब कुछ ठीक था सिर्फ इसी पॉइंट पे आपका बिजनेस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब आज अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिन पे आपको फोकस करना है अगर आपने उन पे फोकस नहीं किया तो आपका बिजनेस शायद क्या हो जाएगा खत्म ही हो जाएगा तो हम लोग एक वर्ड पे फोकस करेंगे जिस वर्ड का नाम क्या होगा सर सर सस्टेनेबिलिटी अब इसका मतलब ये हो गया कि सर जो हमारा सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट के नाम में अगर हम ध्यान देखें तो हमको हमको पे भी फोकस करना है सोसाइटी पे भी फोकस करना है और हमको साथ में यह भी ध्यान देना है कि हमारी कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल है क्या वो कंप्लाई हो रहे हैं और कंप्लाई होने के बाद सिर्फ ये नहीं कि कंप्लाई होने के बाद अपने अंदर पॉकेट में डाल के रख के लिख लिया कि हमने कंप्लाइंस किया है रिपोर्टिंग करनी है क्या करनी है रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग किसको करनी है सबसे पहले तो गवर्नमेंट को और सबसे पहले अपने स्टेक होल्डर्स को अपने लोगों को भी बताना है कि हम अपनी कंपनी में क्या क्या काम कर रहे हैं क्लियर है बोलो बेटा जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं एक बार आप भी बताएंगे प्लीज बीच में कुछ इंटरप्शन हुई थी उसकी वजह से शायद हो सकता है एक छोटा सा फ्लो टूट गया हो बट फिर भी एक बार देख कर बताएंगे प्लीज क्या आप लोग को बात समझ में आई ऑल गुड इजी कंफर्टेबल हो जाओ बड़ा कोई इतना टेंशन वेंशन लेने की बात है नहीं क्या है फाइनली तो है इतनी क्या बड़ी बात है गिनती के साथ सब्जेक्ट हैं वो आजकल चल नहीं रहे वो लप्पू से सब्जेक्ट हैं है ना बिल्कुल लल्लू सा सिलेबस है कर लेंगे आराम से इतनी क्या बड़ी बात है तो कुछ आइडिया लगा कि एक्चुअल में हम सिलेबस में क्या करने वाले हैं अब देखो अब जो अब जब हम एल की बात करेंगे ना तो एल के वो प्रोविजन्स हमारे सिलेबस में आएंगे जहां हमको रिपोर्टिंग करनी होंगी जहां हमको डिस्कलोजर्स देने होंगे कि हमको एलओडीआर में लिखे कौन कौन से डिस्कलोजर किस तरीके से देने हमको कंपनीज एक्ट के उन प्रोविजंस की बात करनी होगी जहां पे क्या लिखे होंगे डिस्क्लोजर और हमको वो डिस्क्लोजर किसको देने हैं और कब कब देने हैं अच्छा ऐसा नहीं होता कि डिस्क्लोजर हम रोज रोज देते हैं डिस्क्लोजर हम रोज नहीं देते वो तो हम ज्यादातर कैसे देते हैं इयरली अच्छा लेकिन कुछ होते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायस कैसे बेस्ड इवेंट बेस्ड जब जो हुआ उसके इतने टाइम के अंदर रिपोर्ट कर दो तो हमको उन प्रोविजन्स को यहां पे क्या करना है एनालाइज करना है सही है बात? अच्छा, एक टॉपिक हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आता है सर, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारा जो सिलेबस कंटेंट है ना वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है कितने पार्ट में डिवाइडेड है सर तीन पहले सर क्या था अभी जो इससे पहले वाला सिलेबस था सर उसमें ना ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चार पार्ट में डिवाइडेड था चार पार्ट में डिवाइडेड होने की वजह से ना एक कमी थी उसमें जो इस बार आईसीएसआई ने बहुत हद तक सुधारी है अभी पुराना ओल्ड सिलेबस की अगर मैं बात करूं ओल्ड में इसको हम लोग नाम देते थे सब्जेक्ट का नाम था तो गवर्नेंस तो आज भी है रिस्क मैनेजमेंट आज भी है कंप्लायंस भी है एथिक्स भी है लेकिन टुकड़े अलग अलग जो पहले थे वो अब नहीं है जैसे एग्जाम्पल देते पहले क्या था पार्ट ए ना फिफ्टी मार्क्स का था जिसमें गवर्नेंस गवर्नेंस थी अब आज प्रेजेंट टाइम पे पार्ट ए जो है जिसमें गवर्नेंस का पोर्शन है ये अब मार्क्स का हो गया आज प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नेंस का पोर्शन है वो कितने मार्क्स मार्क्स का का हो गया 65 का। पहले क्या होता था फिफ्टी मार्क्स के अलावा एक चैप्टर होता था रिस्क मैनेजमेंट का जो ट्वेंटी मार्क्स का था दो चैप्टर थे एक था रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल ये भी ट्वेंटी मार्क्स के थे और पार्ट डी पहले होता था सर एक दस मार्क्स का जिसमें तीन चैप्टर हुआ करते थे और ये दस मार्क्स का था एग्जाम में बच्चे करते क्या थे ये तीन चैप्टर क्योंकि दस मार्क्स के आते थे ये छोड़ के चले जाते थे लेकिन दो अब देखो एक चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट और दो चैप्टर रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल ये मिलके चालीस मार्क्स के 40 हो जाते थे तो बच्चा इन पे बहुत फोकस करता था कि भाई तीन चैप्टर पढ़े और चालीस मार्क्स सिक्योर हो गए आईसीएसआई ने अब ये सारी कहानियां खत्म कर दी

मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि कभी पंद्रह का आ गया कभी दस का आ गया कभी बारह का आ गया बीस का है तो बीस का आएगा ही आएगा ऐसे और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास पार्ट थ्री भी आ गया है इस बार पार्ट थ्री या पार्ट सी बोल लीजिए आप इसको इसमें सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं और ये दो चैप्टर्स आपको देंगे पंद्रह मार्क्स तो देखा जाए तो आज हमारे पास इसका मतलब टोटल ट्वेंटी चैप्टर्स हैं इस पूरे सब्जेक्ट में और ये जो ट्वेंटी चैप्टर्स हैं ये हमको टोटल हंड्रेड मार्क्स का कंटेंट कंप्लीट करके देंगे अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें थोड़ी सी तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे लिए पार्ट बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि पार्ट बी और सी में अब हमारे पास क्या है सर एक रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है और दो चैप्टर और हैं इन दो चैप्टर में एक चैप्टर है सर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कौन सी रिपोर्टिंग एक रिपोर्टिंग पहले भी थी सर सिलेबस में अभी भी है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये रिपोर्टिंग वाला जो चैप्टर है सर यह पहले भी हुआ करता था आज भी है सर और एक चैप्टर यहां पे आएगा सर सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग तो सिलेबस लगभग लगभग मैं बोलूंगा कि 85 टू 90 मार्क्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है जो पहले भी था जो आज भी है अब क्योंकि पहले वाला सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट लाइक लास्ट टेन अटेम्प्ट से मैं उसको डील कर रहा था तो जब अभी इस बार हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो मार्केट में स्कैनर तो है नहीं अभी तो कोई स्कैनर अवेलेबल नहीं है बट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा क्यों प्रोवाइड करवाऊंगा क्योंकि जो कंटेंट ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में भी था उस कंटेंट के क्वेश्चन आंसर्स तो फ्रेम किए जा सकते हैं क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमको आइडिया है कि आईसीएसआई ने कैसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं

कि हम लोग इन तीन चैप्टर्स को वाइंड अप करें और इन तीन चैप्टर्स को वाइंड अप करके हम लोग अपने थर्टी फाइव मार्क्स को एटलीस्ट क्या कर लें स्कोर कर लें सिक्योर हो जाएंगे हमारे थर्टी फाइव मार्क्स तब हम वापस से आएंगे किस पे पार्ट ए पे लेकिन सर समझिएगा मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा चैप्टर वाइज कम पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा पढ़ाऊंगा मेरा मानना यह है कि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं करना कि हमने रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर उठाया तो हम रिस्क मैनेजमेंट ही पढ़ते जा रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे चैप्टर का कंटेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं जहां लिंकिंग लगेगी वहां मैं दूसरे चैप्टर का कंटेंट आपको बीच ही में पढ़ा दूंगा ठीक है जरूरत लगेगी तो अदरवाइज हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही नए चैप्टर पर पहुंचेंगे बीच में कोई कंसेप्ट आएगा तो उस कंसेप्ट को मैं ऐड करवा दूंगा मार्क करवा दूंगा कि कहां कहां पे वो कंसेप्ट आपका दिया हुआ है ठीक है पार्ट ए की जब मैं बात करता हूं तो पार्ट ए में जो चैप्टर्स है ना वहां पे आपको लॉ बेस्ड प्रोविजंस मिलेंगे पार्ट बी रिस्क मैनेजमेंट में आपको कोई लॉ बेस्ड प्रोविजन नहीं मिलेगा पार्ट सी में भी रिपोर्टिंग चैप्टर की जब मैं बात करूंगा तो जरूर कुछ प्रोविजन ऐसे आएंगे जो लॉ बेस्ड होंगे जो लिखा हुआ है कि एल में ऐसा क्या लिखा है उसके बेसिस पे हम रिपोर्टिंग करेंगे कि रिपोर्टिंग का मतलब समझ में आ गया ना आपको कि रिपोर्ट करने का मतलब है कि हमको गवर्नमेंट को कुछ इंटीमेट करना है अपने यूजर्स को कुछ बताना है लेकिन होता क्या है आप लोगों ने कभी अकाउंट्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा है वैल्यू एक टॉपिक पढ़ा है वैल्यू एडेड सिस्टम पढ़ा था कभी शायद पढ़ा होगा मेरे ख्याल से वैल्यू एडेड सिस्टम होता क्या है हर एक चीज को ना प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे हम बोलते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कभी कि अकाउंट्स एक साइंस है या आर्ट है तो हम बोलते हैं वो आर्ट भी है और साइंस भी है क्यों क्योंकि कहते हैं साइंस इसलिए है क्योंकि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही हम अपनी अकाउंटिंग सॉल्व करते हैं लेकिन सर एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं जर्नल like एंट्री है तो एक ही, एक ही ही की entry को करने के लिए दो तीन तरीके हैं आप कौन सा तरीका जाता है अब इसका मतलब यह हो गया कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ हमारा खुद का जजमेंट भी होता है इसीलिए बोलते हैं कि यह साइंस भी है और इसीलिए बोलते हैं ये आर्ट भी है अब हमारे पास डेटा तो आ गया बट सरकार कह रही है कि रिपोर्ट हमारे बताए हुए तरीके से करिए रिपोर्टिंग का फॉर्मेट हम आपको बताएंगे डेटा आपका बट फॉर्मेटिंग का तरीका हमारा बताया हुआ और वो जो फॉर्मेटिंग का तरीका गवर्नमेंट ने बताया वो किस में बताया उन्होंने लाइक like एलओडीआर में बताया लाइक कंपनीज एक्ट में बताया कि प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए तो हमको यहां पे प्रेजेंटेशन का जो तरीका होगा वो यहां पे हमको लॉ बेस्ड प्रोविजंस के थ्रू पता लगेगा बाकी हम लोग इसको थियोरिटिकल टर्म्स में ज्यादा पढ़ेंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी लो वेरी वेरी लो रेयरली कहीं ऐसा होगा कि आपके एग्जाम में शायद कोई एक आधे टॉपिक पे एक आधा न्यूमेरिकल आ जाए तो आ जाए शायद रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग एक आधा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बट अदरवाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी लो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो दो तरीके के आएंगे या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है अभी तक क्या होता था सर रिस्क मैनेजमेंट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे अभी तक पास्ट पेपर्स को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बट इस अटेम्प्ट में अभी इसी वाले अटेम्प्ट में आईसीएसआई ने बीस मार्क्स की केस स्टडी पूछी है पूरी रिस्क मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था एक बहुत बड़ा सा अनसीन पैसेज लाइक एक केस स्टडी और उसके बेसिस पे आपको इवेल्युएट करके चार क्वेश्चन के आंसर्स देने थे जो ट्वेंटी मार्क्स के थे तो हमको इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपसे कोई बोले कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट थियोरिटिकल सब्जेक्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट थ्योरिटिकल नहीं है हमको कंसेप्चुअल बेस लेके चलना पड़ेगा अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम आगे कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे तो हम लोग को उस पर फोकस करना होगा ठीक है अभी अगर मैं बात करूं सर कि हमारे पास जो हमारा पार्ट ए है इस पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो पार्ट ए की जब मैं बात करता हूं ना तो पार्ट ए में जैसे टॉपिक्स कैसे आते हैं तो हम लोग बोले ऐसे ध्यान से देखिएगा हम लोगों ने कंपे लॉ में पढ़ा जैसे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ा पढ़े थे ना सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड तो अभी क्या है हमारे पास जैसे जब मैं पार्ट ए की बात करता हूँ तो हमारे सिलेबस में एक है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वन एस एस वन है हमारे सिलेबस में एस एस टू नहीं है सिर्फ कौन सा है एस एस वन बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग और पूरा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है तो एक चैप्टर तो हमारे पास यही है अब ये देखा जाए तो पूरा लॉ बेस्ड कंटेंट है हमको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई ने दिया हुआ है वो पूरा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सेकेंड नंबर अगर मैं बात करू यहां पे तो एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है वो होता है सर एक बोर्ड डिस्क्लोजर्स बोर्ड डिस्लोजर्स एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर्स और वर्ड ऑफ फोकस करिए किसोजर्स पे, पे. कि एक बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड को कौन कौन सी चीजें डिस्कलोज करनी होती है अपने यूजर्स को और खास करके गवर्नमेंट को जब डिस्कलोजर्स की बात आएगी तो यहां पर अगेन ये वो चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जहां पे आपको कहीं ना कहीं लॉ बेस्ड प्रोविजन देखने को मिलेंगे जब वेबसाइट की डिस्क्लोजर की बात आएगी तो हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करने होते हैं मतलब अगर कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है तो ये कुछ पर्टिकुलर कंटेंट आपको कहां अपलोड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर भी और हमको देखना होगा कि कौन से लॉ में क्या क्या कंटेंट ऐसा है जो हमको अपनी वेबसाइट पे क्या करना पड़ता है डिस्क्लोज करना पड़ता है अच्छा ये कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो पहले ओल्ड सिलेबस में भी थे अभी भी हैं ये एज इट इज वैसे ही चले आ रहे हैं फिर थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बात की एक चैप्टर आएगा सर हमारे पास यहाँ पे बोर्ड कमिटीज़ कौन सा चैप्टर आएगा सर बोर्ड कमिटीज़ बोर्ड कमिटीज़ बहुत तरीके की होती हैं जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ जो आप लोगों ने सुनी होगी जैसे ऑडिट कमेटी आपने पढ़ी होगी एक नॉमिनेशन रेमोनरेशन कमेटी आपने पढ़ी होगी एक स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एक सुनी होगी आपने सी एस आर कमेटी

नहीं में, like में क्या क्या दिया हुआ है और एल हुआ में फिर हमारे पास एक चैप्टर आएगा सर यहां पे, जैसे मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ अब सर जब हम सी एस आर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सेक्शन 135 थर्टी फाइव तो डिटेल में पढ़कर आए हैं बट दिक्कत यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सी एस आर के रिगार्डिंग यहाँ पे सेक्शन 135 नहीं है बल्कि यहाँ पे पूरे रूल्स भी हैं जो सी एस आर रूल्स हैं वो पूरी तरीके से हैं और एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि बताइए कि सी एस आर की रिपोर्टिंग करते समय आप कौन कौन से क्या क्या आइटम्स डिस्क्लोज करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाएगा अब वो जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता था ना सी एस आर किसके ऊपर एप्लीकेबल है तो हम बोलते थे प्रॉफिट अगर पाँच करोड़ से ऊपर है टर्न ओवर नेटवर्थ अगर इतने से ज़्यादा है पाँच सौ करोड़ से हजार करोड़ से ज़्यादा है तो सी एस आर की हमारे ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है वो सब कहानी अब नहीं पूछी जाएंगी वो सब भूल जाइए अब हमसे सीधे सीधे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे प्रोविजन वही रहेंगे लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा फिर हमारे पास एक चैप्टर आया पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव हमारे पास एक चैप्टर आया सर कुछ नए चैप्टर्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे एक चैप्टर आया डेटा गवर्नेंस ये हमारे पहले ओल्ड सिलेबस में कभी नहीं हुआ करता था ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चैप्टर आया है सर डेटा गवर्नेंस एक चैप्टर आया सर यहाँ पे बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी कि बोर्ड की क्या जिम्मेवार है ऑन द कंसेप्ट ऑफ ई एस जी क्या कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड की भी कोई जिम्मेवारी है इस ई एस जी कंसेप्ट को लेकर अगर है तो क्या फिर एक चैप्टर आया सर हमारे सामने ग्रीन इनिशिएटिव ग्रीन इनिशिएटिव इसके अलावा हमारे पास यहां पे जैसे एक चैप्टर आया सर ग्रीन इनिशिएटिव के बाद हमारे पास एक चैप्टर आया सर गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स जैसे होते हैं ना इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वैसे यहाँ पे कुछ गवर्नेंस इन्फ्लुएंस भी हैं कि मार्केट में गवर्नेंस को प्रमोट करना है मार्केट में गवर्नेंस को क्या करना है प्रमोट करना है कैसे प्रमोट किया जाए कौन इन्फ्लुएंस करेगा आईसीएसआई इन्फ्लुएंस करेगा ऐसे ग्लोबल मैनर में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कंपनीज को समझा रहे हैं कि गवर्नेंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अब हम यहां पे देखेंगे कि ग्लोबल मैनर में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है तो गवर्नेंस इंफ्लुस पहले यह चैप्टर होता था हमारे ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर होता था सर कॉरपोरेट गवर्नेंस फोरम ऐसे कौन कौन सी फोरम्स हैं जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करती हैं अभी वही सेम चैप्टर नए नाम से आ गया है जिसको हमने नाम क्या दे दिया है गवर्नेंस इंफ्लुस फिर एक चैप्टर और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि सर सी प्रोफेशन में इस गवर्नेंस का क्या रोल है कि हम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी गवर्नेंस किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे और मेरे को लगता है कि शायद हम ही तो सबसे ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअल में सारे लॉस की कंप्लाइंस की जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर ही है क्योंकि हमी को तो बोला गया है कि हम एक्चुअल में कंप्लायंस ऑफिसर हैं कौन से ऑफिसर हैं कंप्लायंस ऑफिसर अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कंप्लायंस ऑफिसर हैं तो हमको कंप्लायंस भी करने हैं और अगर हम ही ने कंप्लायंस किए हैं तो हम ही को नाम क्या दे दिया गया गवर्नेंस प्रोफेशनल कि आप ही ये चेक भी कर लीजिए कि क्या जो जो रिपोर्टिंग करनी थी क्या वो रिपोर्टिंग हुई है अगर हुई हैं तो आपसे बेहतर तो और कोई बता नहीं पाएगा तो ये एक कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा सिलेबस डिज़ाइंड है उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लगा कि हम एक्चुअल में इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे अच्छा एग्जाम में अभी आपका जो पेपर पैटर्न है उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी पता नहीं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है न्यू सिलेबस का कोई पेपर तो पहली बार आप ही दोगे आई आई अगर कोई सैम्पल पेपर निकालेगा तो उससे एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होने वाले हैं बट अभी तक क्या होता है कि आईसीएसआई जो भी पास ट्रेंड फॉलो कर रहा था उसके अकॉर्डिंग आईसीएसआई कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पुटअप करता है तो वो कितने मार्क्स का पुटअप करता है पांच मार्क्स का मैक्स टू मैक्स इससे ज्यादा अगर वो मान बिलो चला गया तो मैक्सिमम कितने तक जाएगा सिक्स मार्क्स तक पांच से छह मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इससे ज्यादा के क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी लो मैक्स टू मैक्स अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जाएगा तो वो छह मार्क्स तक का हो सकता है उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप नहीं होगा अच्छा इतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं हमको पता होगा कि हम एक्चुअल में छह मार्क्स से ज्यादा में उसको प्रेजेंट करें क्योंकि अभी क्या है ध्यान रखिएगा एथिक्स एक ये जो सब्जेक्ट है ना ई इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बुरा रहा है सर मतलब ऐसे कुछ बच्चे भी हैं सर मार्केट में जिनके सारे पेपर निकल गए सिर्फ एक यही रह गया आप समझ रहे हैं कि सारे पेपर निकाल लिए उन्होंने नौ सब्जेक्ट थे ओल्ड सिलेबस में आठ क्वालिफाइड है आठों के आठों पेपर निकले हुए एक पेपर बचा हुआ है कौन सा जीआरएमसी एथिक्स अब ऐसा क्या है सर कि यही सब्जेक्ट रह जाता है ए, उसके दो तीन रीजन है पहला रीजन एक तो ना बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा हल्के में ले लेता है कि कोई बात नहीं ये तो हो ही जाएगा और वो हो ही जाने के चक्कर में वो होता ही नहीं है वो फंस जाता है क्योंकि हम हमेशा उसको हल्के में लेके चलते हैं और हल्के में रहते रहते वो फिर हल्का ही हो जाता है ठीक है वो पहले हम उसके मजे लेते हैं फिर वो हमारे मजे लेता है ठीक है तो ये एक तो ये रीज़न है दूसरा रीजन ये है कि सर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो अगर हम इसको बहुत सारे बच्चे जैसे इसको सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी लेके जाते हैं और वहीं पर अप्रोच थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्यों क्योंकि मैंने आपको बोला पढ़ने का एक तरीका है यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं कि हमको कंपनीज से आकर प्रोविजन्स आते हैं और एल ओ डी के प्रोविजन्स आते हैं और यहाँ पे हम उस पेपर को पूरी तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि हमको प्रोविजन आते हैं तो वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन के पुटअप किए जाने का पैटर्न कुछ और होएगा आंसर्स किसी और प्रेजेंटेशन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा लेकिन हम लिखेंगे कुछ और तो मार्क्स पूरे आपको उस तरीके से नहीं मिलेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको कुछ पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ हमको कंटेंट याद करना पड़ेगा अगर वो कंटेंट हमने याद नहीं किया तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो टर्मिनोलॉजी लॉ मेकर यूज करेगा जो वोकेबुलरी टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाएगी वो हमको लर्न करनी पड़ेगी हम ये नहीं कहेंगे कहे कि हम आपको पूरा पूरा स्टेटमेंट याद करने के लिए बोलेंगे कि पूरा पैराग्राफ रट के आ जाना पूरा पैराग्राफ लर्न कर लेना एक एक लर्न एक एक, एक, -एक लाइन एक -एक, एक एक वर्ड वैसे ही होनी चाहिए जैसे लिखी हुई है ऐसा नहीं है लेकिन होता क्या है कि जब हम अब देखो क्या है अभी आप क्या है एग्जीक्यूटिव पास आउट करके आए हो तो अभी आप मेच्योर हो गए हो अभी आपको ये पता लग गया है एक्चुअल में कि किस तरीके से हम क्या कंटेंट लिखते हैं कि हम पास हो जाते हैं अभी एग्जीक्यूटिव में और एक प्रोफेशनल स्टूडेंट में मेन फर्क ही यही है कि अभी एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा थोड़ा नादान होता है उसको लगता है ठीक है हम अपने हिसाब से लिखेंगे पास हो जाएंगे लेकिन जब हम पास हो जाते हैं तो हमको पता लगता है कि नहीं यार हमने मेहनत की थी एक्चुअल में जो कंटेंट आई ने मांगा हमने वही लिखा तभी हम पास हुए वरना हम पास ही नहीं हो रहे थे तो वो मेचोरिटी तो आपके अंदर आ गई है तो वो मेचोरिटी अब आपके अंदर प्रोफेशनल में झलके भी इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रोफेशनल के एग्जाम्स होते हैं ना वो इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूटिव पास करने ज़्यादा आसान है क्योंकि आपका लेवल इंप्रूव हो गया आईसीएसआई ने पेपर का स्टैंडर्ड इंप्रूव किया लेकिन आपका भी तो लेवल इंप्रूव हो गया तो उस चीज का आपको एडवांटेज मिलेगा लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम बहुत लेमाल लैंग्वेज में जाएँ और हमको लगे कि यार नहीं हम बिल्कुल प्लेन इंग्लिश लिख कर आएंगे नॉर्मल तो मार्क्स नहीं मिलेंगे मैं पहले ही आपको अवेयर कर देता हूँ जो हमारा सिलेबस होगा सर वो मैक्सिमम जाएगा फेब एंड तक कब तक जाएगा फेब एंड तक मैक्स टू मैक्स मतलब ये अप टू द मैक्स है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा फेबर एंड तक एनी हाउ हम आपका पूरा सिलेबस वाइंड अप करा देंगे इससे ज्यादा टाइम हम लोग को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने के लिए नहीं चाहिए होगा उसके बाद नाना करते भी आपके पास पूरे तीन महीने होंगे फॉर योर सेल्फ स्टडी लाइक मार्च अप्रैल मई पूरा आपको मिलेगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पूरी कर पाओगे और थ्री मंथ्स यूज टू बी लाइक मोर देन इनफ अच्छे खासा टाइम है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए इससे ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम अगर आपको मिलेगा तो आप उसको वेस्ट करना शुरू करोगे तो इट्स बेटर कि आपको पूरा टाइम कंस्टेंट के हिसाब से चलाया जाए फेबर एंड का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा पहले ही वाइंड अप करें नहीं भी हुआ तो फेबररी एंड तक तो एनी हाउ हो ही जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे अभी यहां पे क्या है कि जैसे जैसे जो जो चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बात को जो जो चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा आपको इसके क्वेश्चन करने के लिए लेकिन अगर मैं बोलूं रोज आके पूछूंगा तुमने क्वेश्चन किए तुमने किये, तुमने क्वेश्चन किए किए तो वो तो नहीं हो पाएगा हम आपको क्वेश्चन प्रायर हैंड पे दे देंगे चैप्टर खत्म होने से पहले क्वेश्चन आपको मिल चुके होंगे आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए मेरे से चेक करवाइए जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे वो मेरे को पीडीएफ भेजें चेक करवाएं वो समय में आता है लेकिन आप चेक करवाओगे तो मैं चेक करूंगा मैं आपसे रोज पूछूंगा नहीं कि तुमने नहीं करवाया तुमने नहीं करवाया तुमने नहीं करवाया तो अच्छा ऐसा भी है कि जो बच कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमको राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होगी लेकिन अगर आपने आप ऐसे समझ लीजिए कि चार पाँच चैप्टर्स के भी अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कंटेंट लिखना है आपकी क्या गलतियां होती थी और वो गलतियां सुधर गई उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की शायद कोई बहुत खास रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कुछ दो चार चैप्टर में तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और आप थोड़ा समझने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करें कुछ गलतियां भी पता लगें उनमें इंप्रूवमेंट होगी तो उसके बाद आपको फिर राइटिंग प्रैक्टिस की सच बहुत खास जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी अब थोड़ा मेच्योर हो गए हैं तो आपको आइडिया है कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना तो टेस्ट मेरे को लगता है कि आपकी सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए हैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बट आपको ही वो अटेम्प्ट करने हैं मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा इसलिए ठीक है टेस्ट के अलावा अगर मैं बोलूं तो फेब्रवरी एंड तक हमारा सिलेबस फाइंड अप होएगा हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा और कुछ आपको लगता है पूछना हो तो प्लीज पूछिए कोई अगर दिमाग में क्वेश्चन आता हो किसी भी तरीके का इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आपकी भी ओपन फॉर ऑल है लाइक अगर आपको लगता है कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लाइक सिलेबस के रिगार्डिंग चैप्टर्स के रिगार्डिंग अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग जो कुछ पूछना है आपको दिमाग में अगर हो तो पूछ लो सोच लो आराम से सब ठीक है देखो मैं बताता हूँ क्लासेस जो अभी हैं ये हमारी जो फेस टू फेस हमारा बैच है ये फेस टू फेस बैच बिल्कुल टिल एंड तक जाएगा पूरा मतलब रेगुलर जाएगा जैसे चल रहा है इसी मैनर में चलेगा मतलब हमारी क्लासेस आप ऐसे समझ लो अभी एमडब्ल्यू में प्लान है तो अभी हमारी क्लासेस एमडब्ल्यू में अच्छा आज तो क्या है इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें ही समझ रहे हैं नेक्स्ट क्लास से हम लोग फुल फ्लेस्ड अपने कंटेंट पे आ जाएंगे और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास करेंगे क्लास आपकी नाना करते भी आप ऐसे मान के चलिएगा कम से कम एक घंटा पैंतालीस मिनट की होएगी हर क्लास मिनिमम साइड एक घंटा पैंतालीस मिनट से ऊपर ये दो घंटे की हो सकती है बट उससे कम नहीं होएगी वन आवर फोर्टी मिनट्स की तो एटलीस्ट रहेगी इतना और अब एम डब्ल्यू एफ में आपकी क्लास होगी तो आप मान के चलिए कि नाना करते भी हफ्ते में आपकी तीन क्लासेस तो होनी ही होनी है और बीच बीच में संडे को आपकी क्लास होगी बीच बीच में जो संडे को क्लास होगी उसकी टाइमिंग्स आपको अलग से बता दी जाएंगी ये जो क्लास जैसे आज मान लीजिए एट थर्टी पर हुई क्लास तो ये जो सेम क्लास है ये आपको मोबाइल ऐप आप पे आपके मिल जाएगी और आज ही के दिन रात तक ये क्लास अपलोड हो जाएगी अगर आज रात तक नहीं होएगी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको ये क्लास मिल जाएगी कभी कभी पहले क्या होता था ऐसे भी होता था कि आ, कुछ आ, टीचर्स क्या करते हैं जैसे कि पूरी वीक की क्लास लेते हैं और उसके बाद वो उसको अपलोड करते हैं बट हम लोग क्या करेंगे डेली डेली क्लास करेंगे मतलब हफ्ते में तीन दिन और वो डेली बेसिस पे आपको अपलोड होकर मिल जाएगी अगर आपकी मान लीजिए क्लास छूट जाती है तो इन डैट सिचुएशन आप लाइव देख सकते हो अगर लाइव अवेलेबल नहीं हो पाती है लेट से आप लाइव भी नहीं देख पाते तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा आप उसको आराम से देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लाइव जो क्लास होगी वो ऐप पे होगी हम लोग ऐप यहाँ पे लॉग इन करके रखेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना होगा तो आप उसी ऐप के थ्रू हमसे क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे एट अ टाइम रियल टाइम में वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ जिन्होंने गूगल ड्राइव क्लासेस ली हैं, गूगल ड्राइव क्लासेस जिन्होंने ली हैं आपको एक डी टी एच ऐप मिलेगी डायरेक्ट टू होम करके आपके पास एक मेल आएगा सबके पास आएगा फेस टू फेस वालों के पास भी आएगा ऑनलाइन वालों के पास भी जाएगा एक मेल जाएगी उस मेल पे एक सॉफ्टवेयर होगा आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद उसमें आपकी क्लासेस आ जाएंगी एक सिक्योरिटी कोड आएगा वो डालिएगा आपकी क्लासेस उसी पर लाइव चलेंगी उसी पर रिकॉर्डेड चलेंगे ठीक है तो ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं होगी मेल कन्फर्मेशन कब तक हो जाएगा आज आप सब लोगों को मेल चले जाएंगे क्योंकि आज की जो भी क्लास होएगी वो भी उस पर अपलोड हो जाएगी और सब जितनी भी क्लासेस होंगी वो फिर आपको उसी ऐप आप पे मिलेंगे डेली हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो ऑलमोस्ट यही रहेगा अगर कुछ चेंज हुआ तो हम लोग देख लेंगे अदरवाइज अभी तक तो प्लान यही है कि एमडब्ल्यू में इसी स्केड्यूल में हम लोग अपनी क्लासेस को प्रॉपर मैनर में रन करेंगे वो कोई दिक्कत नहीं और कुछ बस शुरू करें फिर आगे थोड़ा बढ़ाएं पढ़ना स्टार्ट करें कुछ पूछना तो नहीं है जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आप एक बार चेक कर लीजिए भली कि कुछ पूछना हो तो प्लीज़ देख लीजिए वरना फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम अच्छा होगा मैराथन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसे है कि फेबर एंड में आपका सिलेबस फाइंड अप होगा और लास्ट टू मंथ्स में लाइक लास्ट टू मंथ्स का मतलब हो गया कि अप्रैल एंड मई ये आपकी रिविज़न क्लासेस चलेंगी जो रिविज़न क्लासेज होंगी डैट विल बी ओपन फॉर ऑल वो रिविज़न क्लासेज ऑनलाइन होंगी और अप्रैल मई में आप रिविज़न करेंगे जो रिविज़न होंगे वो रिविज़न ज़्यादातर फाइनल लेवल पे ना मैराथन बेसिस पे ज़्यादा होते हैं उसका रीज़न होता है कि अगर हम चैप्टर वाइज रिवीजन कराने बैठेंगे तो फिर बहुत लंबा शेड्यूल बन जाता है तो मैराथन में क्या होता है कि मेरा जो मे, मैं मैं मैराथन लेता हूँ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 12 घंटे की मैराथन हो 15 घंटे की मैराथन हो वो थोड़ी कम इफ़ेक्टिव होती है उसका रीज़न है कि बच्चा खुद तो बारह घंटे बैठ के नहीं पढ़ पाता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए तो मेरा मानना है कि जो मैराथन वीडियो मैं लेता हूँ वो मैक्सिमम ऐसे होएगी लाइक सेवन टू एट आवर्स की बट सात से आठ घंटे की ये जो मैराथन होंगी ना ये करीबन पाँच से छः मैराथन होंगी और उसमें हम लोग तीन तीन चार चार चैप्टर्स का एक स्लॉट बनाते चलेंगे कि उस उस कॉम्बिनेशन में उन तीन तीन चार चार चैप्टर्स को हम लोग एक एक मैराथन में कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से वो होंगी वो तो हमेशा से होती आ रही हैं और वो आगे भी होती आएंगी उसमें तो कोई कटौती नहीं की जाएगी तो वो तो बढ़ती जाएंगी हर अटैम्प्ट में कम नहीं होंगी तो मैराथन तो होएंगी रिविजन ऑनलाइन यूट्यूब पर ही होगा उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा हाँ जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे या फेस टू फेस भी लेंगे आपको लाइव लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बिल्कुल मिलेगी नोट्स की अगर मैं बात करूँ बुक्स की अगर मैं बात करूँ बुक्स आपको मैं आपको दूंगा बट आपको बुक्स मिलेंगी लाइक 15 सितंबर के आसपास फिफ्टीन सेप्टेम्बर के आसपास आपको बुक मिलेंगी लाइक ऑलमोस्ट दस बारह दिन के बाद और आपको बुक्स मिल जाएंगी और बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी सर अगर बच्चे बोलें तो आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो वैसे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब हम लोग जो अपनी बुक्स प्रोवाइड करेंगे उसमें मॉड्यूल का कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा ही होगा तो मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही बुक बनाई जाएगी तो अगर कोई बच्चा जैसे ऑनलाइन कुछ बच्चे सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए और आपके पास अगर मॉड्यूल है तो उससे भी काम चलेगा आप बेफिक्र होकर मॉड्यूल खोलिए साथ में रखिए मॉड्यूल के साथ पढ़ते चलिए जो टॉपिक लगे आपको मिसिंग हो रहा है क्लास में ख़त्म करते चलिए ठीक है तो मेरे को मॉड्यूल से कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि मॉड्यूल आप खोल लेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप अपने सामने रखिए मॉड्यूल और साइड बाय साइड कंपेयर करके पढ़ते चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपका मॉड्यूल पूरा वाइंड अप होगा नाना करते भी अभी हमारे पास जो मॉड्यूल है ना वो साढ़े आठ सौ पेजेस का है ई का पहले ये करीबन सिर्फ छः सौ पेज का होता था तो जो मैंने बोला ना ऐड ऑन हो गया वो दो ढाई सौ पेज ऐड ऑन हो गए पहले छः सौ पेज के थे अब शायद साढ़े आठ सौ पेज के हो गए तो अब कंटेंट तो है ऐसी बात नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि कंटेंट में कोई कमी है इसीलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया कि सब्जेक्ट को ना किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लेना होता है ना स्कूल में हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कहते हैं मैथ्स बड़ी डिफिकल्ट होती है यार है ना होता है ना स्कूल में वो बताएं क्या होता है ना हम किसी सब्जेक्ट को सिर चढ़ा लेते हैं कि यार ये डिफ़िकल्ट है और जब एक बार वो सिर चढ़ जाता है ना फिर वो सिर पे खड़े होकर नाचता है और फिर हम नाचेंगे वो जैसे नचाएगा वैसे ही नाचेंगे एक एक कहानी होती है सर एक कहानी ऐसी होती है आपने कभी पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है एक कहानी होती है कि जैसे आपके सामने ना दो चीज़ें हैं खाने के लिए एक थोड़ी आपको कम पसंद है और एक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो पहले कौन सी खाओगे कम पसंद वाली या ज़्यादा पसंद वाली एक तो ऐसी है यार जो अब आपका मन करे तब खा सकते हो आप पेट पूरा भरा भी हुआ है ना तो भी खा लोगे और एक ऐसी है जिसको देख के ना आप नाक मुंह बना रहे हैं कि नहीं यार इसको अवॉइड ही करो तो ज्यादा बेटर लेकिन खानी दोनों है तो पहले कौन सी खाई जाए तो जो अच्छी नहीं लग रही ना पहले उसको खा लो जो कम अच्छा लग रहा है ना उसको पहले खा लो जैसे तैसे मुंह बना के नाक बंद करके खा लो क्योंकि उसके बाद जो बच गया वो एक्चुअल में आपका बिल्कुल पसंदीदा डिश है लाइक योर फेवरेट डिश वो फिर आपको कंपनसेट कर देगा पुराने वाली डिश को भी इसी तरीके से होगा क्या आपके सामने ना कंटेंट है एक कंटेंट एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है बहुत पसंद है और एक कंटेंट जो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो पहले उसको खत्म करो जो पसंद नहीं है क्योंकि जो पसंद है वो तो आखिरी महीने में भी करोगे तो हो जाएगा क्योंकि उसमें तो तुम्हारा इंटरेस्ट है हम उल्टा करते हैं हमको जो आता है ना उसी को रिवाइज कर करके खुश होते रहते हैं है ना होता है ना जैसे बीस चैप्टर है अब बीस में से अट्ठारह आते हैं हम पहले उन्हीं अट्ठारह को बार बार रिवाइज करते रहते हैं क्योंकि वो हमको आते हैं और जो दो नहीं आते उन पे ज्यादा टाइम देना चाहिए उन पे और कम टाइम देते हैं तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट पे टाइम तो अभी तो क्या है आपके लिए सातों सब्जेक्ट नए हैं आपके लिए सातों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिएगा प्रॉपर इज्जत दीजिएगा जिस सब्जेक्ट को आपने इज्जत नहीं दी वो आपको इज्जत नहीं देगा सीधी सी बात है सीधा सीधा फंडा है आप उसकी रिस्पेक्ट करो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो पूरा फोकस करके आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए कंटेंट को पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट को अभी हल्के में नहीं लेना और किसी को बहुत ज़्यादा सिर नहीं चढ़ाना कि भाई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी टू हैंडल हैं बट ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपका अप्रोच कैसा है अगर आप उसको बहुत हल्के में लेंगे तो फिर दिक्कत देगा वो आपको ठीक है चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैसे एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी से मैं आपको थोड़ा सा बेस क्लियर करवाता हूं कि सर ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है आपने कभी ऐसे सुना है सर जैसे एग्जांपल देता हूं कि ना हमको फीवर हो गया क्या हो गया फीवर तो हमारे देश की नेशनल मेडिसिन पैरासिटामोल हर घर में पाई जाती है फीवर हो गया पैरासिटामोल खा लूं ठीक हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कहते हैं कि जब हमको फीवर हुआ है ना सर फीवर तो फीवर तो एक डिजीज है एक बीमारी है या वो सिम्टम है कह रहे हैं, हमको टाइफाइड होता है तो हमको फीवर हो जाता है हमको मलेरिया होता है तो हमको फीवर हो जाता है आपको चिकनगुनिया होता है तो हमको फीवर हो जाता है हमको डेंगू होता है तो हमको फीवर हो जाता है हमारे पैरों में दर्द हो रही है एक्स्ट्रा दर्द हो रही है इस वजह से फीवर हो गया इसका मतलब सर जो फीवर है ना तो एक्चुअल में क्या है एक सिम्टम है जड़ तो कुछ और ही है जड़ तो कुछ और ही है जब एक पर्टिकुलर कंपनी बिजनेस करती है ना तो उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस करते समय या बिजनेस करने से पहले हमको एनालाइज करना पड़ता है कि नियर फ्यूचर में कंपनी के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी का बिजनेस ठप पड़ सकता है हमने दो वर्ड सुने हैं एक सुना है रिस्क एक सुना है अपॉर्चुनिटी जो चीज हमारी कंपनी को फायदा पहुंचाए वो अपॉर्चुनिटी है और जो चीज हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है वही हमारे लिए क्या है रिस्क है अच्छा जो चीज हमको फायदा पहुंचा सकती है उसको तो हम इग्नोर भी कर दे तो कोई बात नहीं क्योंकि वो तो फायदा पहुंचाने ही वाली है तो अपॉर्चुनिटी है उसको तो हम ग्रैप कर लेंगे लेकिन अगर हमने रिस्की फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया क्या कर दिया इग्नोर तो एक्चुअल में फिर वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं आप जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी मैंने आपको समझाया अवेयर किया कि आपके सात सब्जेक्ट हैं और देर आर हाई चांसेस कि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा हल्के में ले लो अब जहां आपने हल्के में लिया तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बोलेंगे कि सब्जेक्ट अपने रंग दिखाएगा तो इसका मतलब स्टार्टिंग से ही हमको ऐसा एनालिसिस करके चलना है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पहले से एनालाइज कर ले अब जब एक कंपनी बिजनेस करती है ना सर तो बिजनेस करते समय देयर कैन बी सो मैनी सिचुएशन देयर कैन बी सो मैनी सरकम स्टांसेस जहां कंपनी को बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिन डिसीजन की वजह से कंपनी का बिजनेस शूटअप भी कर सकता है और कंपनी का बिजनेस डाउनफॉल में भी आ सकता है लाइक like कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़ भी सकता है और कंपनी का बिजनेस बहुत घट भी सकता है ये तो डिपेंड करेगा कि कंपनी डिसीजन क्या लेती है लेकिन सर जब कंपनी डिसीजन लेती है तो डिसीजन लेने से पहले उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि वो जो डिसीजन लेने जा रही है उसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं अगर हम चीजों को पहले से एनालाइज कर लें तो क्या मैं बोलू नुकसान कम होने के चांसेस हैं? नुकसान कम होने के चांसेस हैं। अच्छा हमेशा ध्यान रखिएगा लाइक like अभी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी या बीइंग अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको ना डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्या लेने पड़ेंगे? Decisions. और कुछ decisions इतने, डफ इतने टफ होंगे कि आपको लेने से पहले दस बार सोचना पड़ेगा कि ये decision ले या ना ले। हमेशा आप डरते क्यों हैं, हैं तो क्यों डर है? लगता है आपको कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले क्योंकि हम ना उसके एक्चुअल में नेगेटिव कॉन्सिक्वें से डरते हैं पॉजिटिव कंसिक्वेंसिस हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लेकिन जो निगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं वो हमको एक्चुअल में डराते हैं कि हम ये स्टेप ले भी या ना ले जो निगेटिव कंसिक्वेंस है ना वही तो रिस्क है और जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हैं वही अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए हम स्टेप लेते हैं लेकिन रिस्क से डर जाते हैं यही होता है ना हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या बताया जाएगा कि सर वो जो रिस्की फैक्टर्स है ना उनको कैसे मैनेज करना है अच्छा कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों में होते हैं कंट्रोलेबल पूरी तरीके से कंट्रोल है हमारा उस पर लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं जो शायद अनकंट्रोलेबल हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे लिए रिस्क था कि कहीं हमें सब्जेक्ट में फेल ना हो जाए तो आपने सोचा कि लाओ इसकी क्लासेस ले लेते हैं तो आपने उस रिस्क को कंट्रोल कर लिया बहुत हद तक बहुत हद तक उस रिस्क को क्या कर लिया कंट्रोल कि भाई क्लासेस मिल गई तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई एक सिस्टमैटिक वे में हम अपने सिलेबस को अप कंप्लीट कर पाएंगे लेकिन अगर हम डिसीजन लें कि हम क्लासेस करेंगे लेकिन आ, फेस टू फेस नहीं करेंगे ऑनलाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है तरीका तो कहीं ना कहीं बस आपने मोड ही तो बदला एक्चुअल में अल्टीमेट गोल तो वही है अभी भी कि आपका कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए कंटेंट कंप्लीट हो गया लेकिन एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या वो कहीं ना कहीं एक रिस्क ले रहा है एक रिस्क इस चीज का ले रहा है कि अगर वो टाइम पे सब्जेक्ट को मैनेज ना कर पाया तो शायद हो सकता है कि वो जून अटेम्प्ट दे पाए और इसी रिस्क को उसने एनालाइज किया एनालाइज करने के बाद उसने डिसीजन लिया कि लव ऐसा करते हैं फिर क्लासेस ले ही लेते हैं क्योंकि इसके कंसिक्वेंसिस कैन बी सो हार्श उसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं बहुत हार्श हो सकते हैं तो जब एक कंपनी में बींग अ कंपनी सेक्रेटरी हम काम कर रहे हैं तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने की सिचुएशन आएंगी जहां पर हमको समझ नहीं आएगा कि डिसीजन क्या लिया जाए ऐसे सिचुएशन को है क्या होता है देखो अच्छा एक चीज समझना ऐसे जैसे एक चीज होती है सर कोई चीज सही है और एक कोई चीज गलत है किसको एक्सेप्ट किया जाए सर हम लोगों को समझाया जाता ना एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता सही रास्ता थोड़ा कांटो भरा हो सकता है लेकिन उसकी मंजिल ज्यादा बेटर है ऐसी समझाया जाता है जो गलत रास्ता है वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकता है बट लॉन्ग रन में आपको क्या देगा नुकसान ही देगा तो हमको समझाया जाता है कि एक चीज सही है और एक चीज गलत है तो हमेशा कौन सी चीज सेलेक्ट करो सही वाली बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों ही चीजें सही हैं आप किस तरफ जाएंगे दोनों ही चीजें सही हैं आप बताओ या तो ये या ये दोनों ही सही है अब किधर जाओगे डिसीजन लेना है और कोई एक ही चीज सेलेक्ट करनी है अभी भी कोई दिक्कत नहीं है सर क्योंकि दोनों ही सही है ना एक किसी भी तरफ चले जाओ आपको फायदा ही होने वाला है लेकिन फिर भी कंपैरिजन करो और देखो फायदा ज्यादा कहां पे है फायदा ज्यादा कहां पे है जिस तरफ फायदा ज्यादा है उसको ऑप्ट कर लो ठीक ये भी कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं थी दिक्कत अब बताए क्या ये देखो इधर रॉन्ग और इधर भी दोनों जगह नुकसान होने वाला है लेकिन डिसीजन लेना है या तो ये या फिर यह कौन सा डिसीजन ले नुकसान दोनों जगह होने वाला है जो भी डिसीजन लेंगे नुकसान होगा लेकिन डिसीजन लेना भी जरूरी है तो कौन सा ले जिस जगह नुकसान कम हो ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं सर डिलेमा ये डिलेमा की सिचुएशन है असमंजस की सिचुएशन समझ नहीं आ रहा करें क्या एक जगह सही चीज है और एक जगह गलत है आप देखो ऐसे इसको एक कंसेप्ट और भी देते हैं एथिकल डेलेमा अ कंपनी सेक्रेटरी हमसे उम्मीद की जाती है कि हम जिस कंपनी को ज्वाइन करें उस कंपनी को एथिकल बिजनेस करवाएं कैसा बिजनेस एथिकल एथिकल बिजनेस का मतलब क्या हो गया सर कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी को क्या हो एक्सेप्टेबल लाइक like, हमारा काम तो हो रहा है लेकिन हम लोगों को घूस खिला के काम करवा रहे हैं ये तो एथिकल बिजनेस नहीं हुआ एक सिचुएशन देता हूं चलिए ऐसे आप ना एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है ये केस हो रहा है करीबन कुछ नाइनटीन के आसपास का ध्यान से देखिएगा एक कंपनी सर और वो कंपनी है लेट से आई कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उन्होंने फॉरेन कंट्री से एक सुपर कंप्यूटर मंगाया क्या मंगाया है कंट्री से एक सुपर कंप्यूटर बहुत हैवी सुपर कंप्यूटर मंगाया और ये कंपनी कह रही है इंडिया में कि हमको इस सुपर कंप्यूटर की बहुत जरूरत है इन्होंने इंपोर्ट किया क्या किया इन्होंने इंपोर्ट सुपर कंप्यूटर आ गया इंडिया में पोर्ट पे खड़ा हुआ है कस्टम अथॉरिटीज ने इस सुपर कंप्यूटर को सीज कर लिया कस्टम अथॉरिटीज कह रही है यह सुपर कंप्यूटर पर ना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी क्या लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी आप पे करो आपने पे नहीं किए कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है ये सुपर कंप्यूटर पे इंपोर्ट ड्यूटी लगनी ही नहीं है तो हम क्यों पे करें कस्टम अथॉरिटीज अपनी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं अब सुपर कंप्यूटर भी हमको चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है लेकिन सुपर कंप्यूटर इंडिया में आने के बावजूद हमको नहीं मिल पा रहा है क्यों नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसको सीज किसने कर लिया है कस्टम अथॉरिटी ने कस्टम अथॉरिटी क्या कह रही है पहले क्या पे करो इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करोगे तो हम रिलीज ही नहीं करेंगे क्या किया जाए बताओ हमको सुपर कंप्यूटर चाहिए भी लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हमने पढ़ा है लॉ और लॉ पढ़ने के बाद हमको पता लगा कि सुपर कंप्यूटर पे इंपोर्ट ड्यूटी शायद नहीं लगती बट कस्टम अथॉरिटी कह रही नहीं नहीं लगती है आपको पे करनी पड़ेगी अब हम ना इंपोर्ट ड्यूटी पे करना चाहते हैं और कस्टम अथॉरिटी बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के इस कंप्यूटर रिलीज करने को तैयार नहीं है क्या करें हम इस सिचुएशन में कंप्यूटर तो चाहिए ड्यूटी पे नहीं करनी क्या करें भाई बताओ जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आप भी बताइए जरा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कुछ खिलाया जाए कस्टम अथॉरिटी को कुछ ले दे के रफा दफा कर लिया जाए थोड़ा मिठाई का डिब्बा कुछ बच्चों के लिए खिलौने ऐसे कुछ ये तो एथिकल नहीं होगा अभी तो हम लोगों ने बोला कि ये तो एथिकल नहीं है, है? हमको कंप्यूटर चाहिए भी बट इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी बनती है पे करनी बनती नहीं है क्या किया जाए कहते हैं हाँ बोलो कस्टम अथॉरिटी को हम दिखा रहे हैं लेकिन कस्टम अथॉरिटी के लिए हटाओ इन सबको हम ये सब नहीं मानते बहस नहीं कर सकते ना उनसे आर्ग्यूमेंट कैसे करें वो कह रहे देनी पड़ेगी अच्छा वो रिलीज ही नहीं कर रहे और उनको चाहिए वो हम उनके पास कागज लेके गए उन्होंने कागज फाड़ दिया कह रहे जो कर लो आप सुनिएगा ध्यान से ऐसी सिचुएशन में सर होता क्या है ऐसी सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दीजिए अभी आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दीजिए मेरा क्वेश्चन सुनिएगा क्या कस्टम अथॉरिटी आपसे घूस मांग रही है नहीं वो तो आपसे क्या मांग रही है इंपोर्ट ड्यूटी क्या वो उसकी रिसिप्ट देगी अब बिल्कुल देगी बिल्कुल देगी आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दीजिए बदले में रिसिप्ट ले लीजिए अपना सुपर कंप्यूटर रिलीज करवा लीजिए सुपर कंप्यूटर रिलीज करवा के कंपनी को दीजिए सुपर कंप्यूटर पे काम शुरू हो गया अब आप कस्टम अथॉरिटी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल करिए कि हमसे गलत इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की गई है सही बात है अगर तो वो इंपोर्ट ड्यूटी सही चार्ज की गई है तो कोर्ट बोलेगी कि मिस्टर गगन आपने कुछ अलग नहीं किया है कस्टम अथॉरिटी ने बिल्कुल सही ड्यूटीज आपसे चार्ज की है। और अगर नहीं मिस्टर गगन आप बिल्कुल सही थे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं होनी चाहिए थी क्या सरकार हमको रिफंड नहीं करेगी क्या हमको सरकार रिफंड कर देगी ना क्योंकि अगर हमने गलत तरीके से अगर मान लीजिए हमसे गलत तरीके से ड्यूटी ली गई है तो गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी हमको क्या कर देगी रिफंड कर देगी इंपोर्ट ड्यूटी रिफंडेड ज्यादा बेहतर नहीं है इसका मतलब यह हो गया कि सर जब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो सिचुएशन में हमको फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स हमारे लिए सही हैं और कौन से फैक्टर्स हमारे लिए गलत हैं। कोई भी सिचुएशन होगी ना उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा लेकिन रास्ते दो हो सकते हैं एक एथिकल और एक अनएथिकल हमको कौन सा सेलेक्ट करना है एथिकल वन ये हमारी ड्यूटी बनती है ये हमको इस सब्जेक्ट में सिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आप अपनी पोजीशन का जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी सिचुएशन ऐसी बहुत सारी आपके सामने सिचुएशंस आएंगी जहां आपको ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है वहां आपको इवेल्युएशन करनी होगी कि आपके पास क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं और जो रास्ते आपके पास ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा हम लोगों ने बोला कि इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी थी और इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद ही सुपर कंप्यूटर रिलीज़ होना था बट कंपनी कहती है कि इम्पोर्ट ड्यूटी तो पे करनी नहीं बनती उनके अकॉर्डिंग इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं होनी चाहिए तो सोल्यूशन क्या निकला सोल्यूशन निकला कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दो कस्टम अथॉरिटीज़ को उनसे बदले में उनके रिसिप्ट ले लो और सुपर कंप्यूटर रिलीज़ करवा लो सुपर कंप्यूटर रिलीज़ हो गया हमने इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी लेकिन हमको लग रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं होनी चाहिए थी तो हम कोर्ट में चले गए कस्टम अथॉरिटीज के अगेंस्ट कि इन्होंने हमसे गलत इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की है अब कस्टम अथॉरिटीज ने अपने पॉइंट को रखा कोर्ट के सामने हमने अपने पॉइंट को रखा हमने दिखाया कि देखो सर हमको तो लॉ में कहीं नहीं दिखता कि सुपर कंप्यूटर पे इंपोर्ट ड्यूटी पे होनी चाहिए कस्टम अथॉरिटीज ने अपने फैक्ट को प्रेजेंट किया अगर कोर्ट कहती है कि हाँ मिस्टर गगन आपने इंपोर्ट ड्यूटी जो पे की है वो आपको पे नहीं करनी चाहिए थी तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी रिफंड हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी और अगर मान लो कि कोर्ट कह दे कि नहीं मिस्टर गगन कस्टम अथॉरिटी बिल्कुल सही कह रही है दोनों फैक्टर्स हमारे क्या हो गए फुलफिल हो गए हमको ये भी पता लग गया कि हम जो सोच रहे थे वो सही है या गलत और कस्टम अथॉरिटीज का भी काम हो गया हमको सुपर कंप्यूटर भी मिल गया तो ये ऐसी जहां पर हमको चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा क्लियर है समझ में आया तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझेंगे करेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट ये रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल हमारे कितने मार्क्स का चैप्टर होने वाला है सर ट्वेंटी मार्क्स का कोशिश करिएगा सर कि आप लोग जब अगली क्लास में आइएगा तो रजिस्टर थोड़ा मोटा लेकर आइएगा ठीक है कि एक ही रजिस्टर में आपका सारा कंटेंट हो जाए आपको अलग अलग रजिस्टर ना बनाने पड़े ठीक है अभी छोटे छोटे रजिस्टर अगर हम बनाएंगे तो फिर पता लगा चार पांच रजिस्टर बन गए और फिर वो नोट्स हमारे काम ही नहीं आ रहे तो नोट्स काम बहुत आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम टाइम पे जो नोट्स मैं बनवाऊंगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे उसी से आपको एक्चुअल में एग्जाम में कंटेंट याद आएगा तो कोशिश करिए कि रजिस्टर थोड़ा मोटा बनाइएगा और उसी में सारा कंटेंट लिखा हुआ एक ही जगह पर तो ज़्यादा बेहतर है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट कराऊँगा उसको ना बीच में से ना देखिएगा शुरू करिएगा तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाइएगा अगर मान लीजिए जैसे ऐसे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर की पाँच क्लासेस हैं और आपने उन पाँच क्लासेस में से तीन करी दो छोड़ दी तो वो टॉपिक थोड़ा आधा अधूरा ही समझ में आएगा तो मेरा मानना है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब शुरू करिएगा तो उसको शुरू करके एंड तक खत्म करिएगा अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर की पहली क्लास नहीं हो पाई है तो जब तक पहली हो ना जाए तब तक सेकेंड थर्ड ना देखिएगा बीच में सेकेंड थर्ड देखेंगे तो चैप्टर की लिंकेज बन नहीं पाएगी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं बनेगी फिर थोड़ा थोड़ा डाईसी सी सिचुएशन होएगी कि हमको समझ नहीं आ रहा या कम समझ में आ रहा है तो इससे बेहतर है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर शुरू करिएगा तो फिर स्टार्टिंग से ही शुरू करिएगा और उसको एंड तक लेकर जाइएगा बीच में से टॉपिक को शुरू ना करिएगा ठीक है पता चलो और आपकी जो आई पी की क्लास है उसके रिगार्डिंग हम आपको शेड्यूल आज दिन तक ही अपडेट करेंगे हमारी आईपीआर की क्लास कितने बजे होगी कैसे होगी वैसे आईपीआर की जो क्लास होगी ना वो ऑनलाइन होगी फेस टू फेस ना होने की जगह कैसे होगी ऑनलाइन अगर फेस टू फेस का लगा कि करनी जरूरी है तो फिर वैसे फेस टू फेस करेंगे अदरवाइज लाइव एट होम तो क्लास चलेगी आईपीआर की जैसा भी होगा वी विल अपडेट यू सून कि हम कैसे कर सकते हैं ठीक है बाकी कुछ पूछना हो तो बताइए नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली प्रीति कहती है सर नोट्स नोट्स कैसे नोट्स मतलब दो तरीके के नोट्स एक हमारी टेक्स्ट बुक आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे मेरे एंड से और जो नोट्स होंगे वो क्लास में ही बनवा दिए जाएंगे तो जो क्लास नोट्स होंगे वो तो आप क्लास के साथ ही साथ बनाते चलोगे अलग से अगर कोई नोट्स होंगे तो आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो आई थिंक नहीं ऐड हो सारे आ, अभी आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको सारी डिटेल्स शेयर करते रहेंगे फिर अकॉर्डिंगली वैसे ही प्लान करेंगे ठीक है चलो तो अभी फिर आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्ली अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा जो कुछ होना था सब हो गया है अब फुल फ्लैश्ड क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास एट थर्टी एट थर्टी फाइव के अराउंड और फिर उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास एक यूट्यूब पे और होगी बट उसकी बाद जो थर्ड क्लास होगी वो फिर उन्हीं बच्चों के लिए ऐप पर चलेगी जिन्होंने क्लासेस परचेज की हैं तो फर्स्ट टू क्लासेस विल बी देयर ऑन द दे यूट्यूब आज एक हो गई है और एक नेक्स्ट क्लास और होगी उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो फिर सीधे ऐप पे होंगी ठीक है चल तो गुड बाय एवरीवन बाय बाय नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे टिल देन एंजॉय योर डे अभी आपकी इसके बाद ड्राफ्टिंग की क्लास होनी है तो लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट फिफ्टीन मिनट्स के बाद ड्राफ्टिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उसको कैरी ऑन करिएगा ठीक है चलो गुड बाय एवरीवन बाय बाय टेक केयर